ईशा देओल ने 21 साल मनाए ना तुम जानो ना हम के बताया उन्होंने एक पिक्चर को शेयर करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हुआ प्रिया। हाल ही में जो है 20 से पहले की कुछ फिल्में ऐसी हुआ करती थी जिन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिला गया था, और 20s की शुरुआत में भी कुछ ऐसी फिल्में आई थी जिसमें से ये एक का नाम था ना तुम जानो ना हम, जिसमें ईशा देओल देखी गई थी। ईशा देओल ऋतिक रोशन के साथ देखी गई थी, दोनों की केमिस्ट्री बहुत पसंद की गई थी उस टाइम पे। जो ऋतिक रोशन का बहुत ज्यादा क्रेज था और जो भी एक्ट्रेस उसके साथ दिखाई देती थी उनका भी बहुत ज्यादा, मतलब लोगों को अटैचमेंट हो जाते थे, लोग जानना चाहते थे और उनके बारे में बहुत सारी बातें की आ जाती थी। उसी बीच में जो है ईशा देओल ने इस मूवी को ना तुम जानो ना हम, इस मूवी को 21 साल पूरे हो चुके हैं जिसके बारे में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाते हुए इस चीज़ को मेंशन किया। इस खुशी को सेलिब्रेट करते वक्त उन्होंने देखिए ये लिखा भी था कि 21 साल ऑफ कंप्लीटिंग ना तुम जानो ना हम, इस बात को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही। आपको याद, उन्होंने एक पिक्चर शेयर की होती है, पिक्चर में जाता है कि ऋतिक रोशन और ईशा देओल दोनों साथ में खड़े हैं, बहुत ज्यादा क्लोज है, और उनके बीच में जो एक स्टफ टॉय होता है, दोनों ने एक स्टफ टॉय को पकड़ा हुआ होता है। स्टफ टॉय जो है येलो कलर का होता है, उनके कपड़े जो होते हैं थोड़े से डार्क के होते हैं, बड़ा रोमांटिक सा सीन लग रहा होता है। इस रोमांटिक सीन के एंगल को जो है ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया है, और शेयर करते वक्त उन्होंने कैप्शन भी लिखा है। इस पिक्चर को लेकर कई सारी बातें सामने आ रही हैं। दोबारा से दौर को लेकर जब जिक्र होता है तो कुछ कुछ पिक्चर्स पुरानी और सामने आ रही हैं, और सोशल मीडिया पे इस मूवी को लेकर कई सारी बातें की भी जा रही है। तो आपने ना तुम जानो ना हम देखी या नहीं देखी, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं आपको मूवी कैसी लगी। अगर आपने देखी है उसके बारे में अपना ओपिनियन देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।